रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमिरेट्स एयरलाइन ने अभी अभी नया ट्वीट किया है। उनका कहना है, बड़े गौर और तवज्जो के साथ सुने, एमिरेट्स एयरलाइन का कहना है कि पाकिस्तान को अभी हम थोड़ी देर बाद बता देंगे उन्होंने टेस्ट कहां से करवाना है। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर आप चुरताई लैब से भी अगर टेस्ट करवा के, अभी फ़ाइनल नहीं किया, अभी ये वो 2 घंटे बाद इसको पब्लिश करेंगे और फिर हमें पता चलेगा हमने कहाँ से आप लोगों ने कोरोना का टेस्ट करवाना है और दुबई के लिए रवाना हो रहा है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, अभी वो मुतमिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपको हमने एमिरेट्स एयरलाइन को बहाल कर दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम लोग आज बताएंगे कि आप लोगों ने किस लैब से जो आपने टेस्ट करवाना है, जब आप टेस्ट करवाएंगे अगर उस पर आएगा कि आपको कोरोना नहीं है, फिर आप एमिरेट्स एयरलाइन में या इतिहाद एयरलाइन में या फ्लाई दुबई में यहाँ से बैठ के आप लोग दुबई जाएंगे या PIA में, तो जब यहाँ से वहाँ जाएंगे आपकी एक रिपोर्ट आपको मिलेगी कि आपको कोरोना नहीं है, एक आपको आपको दुबई वालों को मिलेगी कि इसको कोरोना नहीं आपके मुल्क में आ रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा है देखें, वो बड़े कंफ्यूज हैं और बड़े परेशान हैं दुबई वाले। सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, मुल्क नहीं चला रहे। बहरहाल उन्होंने कहा है अगर आपको किसी पाकिस्तान की लैब ने कहा कि आपको कोरोना नहीं है, ठीक है, टेस्ट में आया कोरोना नहीं है, आप जब दुबई पहुँचेंगे, दुबई में पहुँचने के बाद फिर आपका टेस्ट किया जाएगा। देखें कितनी अजीब सी बात है या गलत बात आप कहें, यहाँ टेस्ट ओके हो गया है कि आपको कोरोना नहीं है, फिर आप दुबई जब उतरेंगे तो आपका फिर दोबारा से कोरोना का टेस्ट होगा। तो फिर अगर आपके कोरोना के टेस्ट आने तक आप जहाँ पे भी रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, घर रहते हैं, उन्होंने आपको एक घड़ी दे देनी है और आपको पाबंद करना है कि खबरदार आपने घर से बाहर निकले 2 दिन के तक। जब 2 दिन के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट आएगा कि आपको अल्लाह ना करे अगर कोरोना हुआ तो 14 दिन के लिए वो आपको क्वारंटाइन करेंगे, और अगर कोरोना ना हुआ तो फिर आपको वो छुट्टी दे देंगे कि आप इजाज़त आप काम पे जाएं या कहीं भी जा सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बड़ी अपडेट थी, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप जब वो अगर वो बता देंगे कि चौथाई से करवाना है या फलानी लैब से करवाना है, आप करवा लेंगे तसल्ली, उधर जाके फिर आपका टेस्ट होगा, तो कितनी मुश्किल में डाल दी है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हुए हैं, तो हम लोग, मैंने ये सुन के पढ़ तो मैं ख़ुद परेशान हो गया यार, कितने कितने मुश्किल करते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। भारत अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर बीमारी से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, और अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे हर बीमारी से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और जैसे ही फाइनल आएगा कि कहां से जो है वो चुताई कर ले टेस्ट होगा, तो आपको बताएंगे, फिर आप लोग उसमें रवाना हो सकते हैं टेस्ट करवाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।